हाय एवरीवन, माय नेम इज शैलेश एस गजरे। सो आज की इस वीडियो में हम हेडर इंटीग्रेशन करेंगे वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास स्टैटिक एचटीएमएल हेडर से यही हेडर हमें डायनामिकली वर्डप्रेस में इंटीग्रेशन करना है। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए नया वीडियो पाने के लिए एक रियल इस्टेट वेबसाइट से। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया है रियल इस्टेट वेबसाइट के बारे में। एंड हमारा ये थर्ड वीडियो है, ये थर्ड वीडियो में हम हेडर को इंटीग्रेशन करेंगे डायनेमिकली। सो चलो वीडियो को हम अभी स्टार्ट करते। फर्स्ट यहाँ पे लॉग इन करते WP एडमिन्स। तो यहाँ पे मैंने अभी लॉग इन किया, तो यहाँ पे मेरे को ऐड करना है SCF प्रो प्लगइन्स। तो यहाँ पे अवेलेबल से मेरा SCF प्रो प्लगइन्स डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से मैं उसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो SCF प्रो प्लगइन्स है यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अभी हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थीम ऑप्शन पेज क्रिएट करना है बैकएंड में। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी में टाइप करूंगा रजिस्टर्स SCF प्रो, सॉरी रजिस्टर SCF ऑप्शंस पेज फंक्शन डॉट PHP। यहाँ पे एक फंक्शन हमें मिला है, यही फंक्शन हमें कॉपी करना है और फंक्शन डॉट PHP फाइल के अंदर हमें यहाँ पे पेस्ट करना है थीम ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके थीम ऑप्शन मैंने फंक्शन डॉट PHP फाइल के अंदर पेस्ट किया है। अभी मेरे को क्या करना है, जस्ट मेरे को बैक एंड रिफ्रेश करना है। मैंने बैकएंड को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे थीम ऑप्शन हमारा यहाँ पे कॉल बैक हो गया है। अभी हमें क्या करना है, कौन सी फील्ड हमें बैकएंड में हेडर के लिए क्रिएट करना है। तो फर्स्ट है हमारा लोगो से, एड्रेस है, मेल है और सबमिट प्रॉपर्टी है। टोटल हमारे पास टोटल चार फील्ड है, चार फील्ड हमें बैकएंड SCF प्रो में क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं SCF में जाऊंगा, SCF में जाके यहाँ पे मैं एक क्रिएट करूंगा टैब हेडर करके, एक हेडर मेरे को टैब क्रिएट करना है यहां पे। और फील्ड टाइप क्या आएगा, हमारा टैब आएगा। और यहां पे मैं ऐड कर देता हूं जनरल मेटा बॉक्स। ओके, यहाँ पे मैंने ऐड किया हेडर टैब्स। अभी हम एक बार थीम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ओके, ऐसे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन पेज, तब जाके यहाँ पे थीम ऑप्शन में कॉल बैक होगा। वो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया हेडर्स। तो अभी हमें क्या करना है, कौन सी फील्ड लेना है, लोगों के लिए इमेज लेना है, लिंक लेना है और बटन लेना है। तो यहाँ पे हम बैकएंड में फर्स्ट ऐड करेंगे लोगो, इमेज, सेकंड है लिंक, लिंक है लेकिन लिंक का हमें नाम लेना है, एड्रेस लिंक लेना है। तो यहां पे मैं एड्रेस लिंक ऐड कर दूंगा, एड्रेस लिंक्स। ओके, पेस्ट। नेक्स्ट क्या है, मेल। यहां पे मैं ऐड करूंगा मेल लिंक्स। फील्ड का नेम है जो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे ही आप कोई भी डेवलपर यूज करे तो उसको पता होना चाहिए कि मेल का ये फील्ड क्रिएट किया है, एड्रेस के लिए ये फील्ड क्रिएट किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे लिंक, यहाँ पे आएगा मेल लिंक।
एक बार थीम ऑप्शन में चेक करते हैं। ओके, हेडर के अंदर लोगो आ गया, एड्रेस लिंक आ गया, मेल लिंक आ गया एंड सबमिट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं सबमिट प्रॉपर्टी लिंक। यहाँ पे मैं सिंपल नेम दे देता हूं, सबमिट प्रॉपर्टी लिंक। यहाँ पे आएगा बटन, लिंक आएगा, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी चारों चार फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले लोगों को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बैकएंड में हम पहले लोगो चेक करते हैं, लोगो नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने लोगो को डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ से मैं उसको मीडिया फोल्डर में अपलोड कर दूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरा लोगो ऐड हो गया है। अभी हम ओपन करेंगे हेडर डॉट पीएचपी फाइल्स। हेडर डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर पहले हम क्या करेंगे, लोगो को इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लोगो है। अभी हमें क्या करना है, फील्ड कहाँ से लेना है, गेट ऑप्शन से लेना है, यानी कि हमें जो ऑप्शन क्रिया है हेडर के लिए तो हमें ऑप्शन ही गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ HCF गेट ऑप्शंस फील्ड्स। तो यहाँ पे कई सारी लिंक है, यहाँ से अपन एक लिंक ओपन करेंगे। यहाँ पे मेरे को एक लिंक मिला है, सेम लिंक में यहाँ से कॉपी करूंगा। यहाँ पे मैं इसको पीएचपी टैग के अंदर पेस्ट करूँ, क्लोज। मेरा फील्ड नेम है लोगो, तो यहां से मैं उसको कॉपी करूंगा लोगो। वेरिएबल नेम हमें प्रॉपर देना है, हेडर्स लोगो। एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। तो यहां से मैं हेडर लोगो कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे चेक कर लो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट में यूआरएल मिल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर लोगो ब्रैकेट में यूआरएल आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमें लोगो मिल गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम यही वेरिएबल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमारी इमेज है, स्टैटिक इमेज है, उसी की जगह पे हम पीएचपी टैग के अंदर लोगो वेरिएबल पास कर देंगे। पीएचपी इको हेडर लोगो यूआरएल्स, ओके, एंड प्रिंट आर हमें यहाँ से हटा देना है। अभी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो हमारा अभी बैकएंड में से आ रहा है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट एड्रेस लिंक्स, मेल लिंक्स एंड सबमिट प्रॉपर्टी, तीनों तीन फील्ड हमें यहाँ से गेट करना है। तो यहाँ पे कौन सी फील्ड हमें यूज किया है, एड्रेस लिंक में, सॉरी एड्रेस लिंक में हमें एक मिस्टेक किया है कि यहाँ पे एड्रेस लिंक में हमें टेक्स्ट बॉक्स देना चाहिए था और सबमिट प्रॉपर्टी की जगह पे हमें बटन प्रॉपर है, लेकिन ये दो फील्ड हमें चेंज करना है। तो चेंज कर लेते हैं हम, माइनर्स इश्यू है, एड्रेस लिंक को हमें चेंज करना है टेक्स्ट बॉक्स। एंड मेल लिंक को हमें ऐड करना है यहाँ पे भी टैग बॉक्स, सेव करना है दोनों को।
अभी हम वापस चेक कर लेते हैं थीम ऑप्शन में। ओके, यहाँ पे हमारा प्रॉपर्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैग बॉक्स में इसकी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिंक में भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, एंकर टैग भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम स्टैटिक एचटीएमएल भी, मेल फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम एचटीएमएल से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो वे, एक तो हम यहाँ पे एचटीएमएल में मेल फंक्शन यूज कर सकते हैं, या तो हमें डायरेक्ट टैग बॉक्स में भी हम मेल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उसकी फील हमें अभी क्या करना होगा, गेट्स करना होगा, एड्रेस लिंक एंड मेल लिंक्स। सेम यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा था ये फंक्शन, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सेम कॉपी करता हूँ एड्रेस लिंक के लिए एंड दूसरा मेल लिंक के लिए। एड्रेस लिंक्स यहाँ पे मैंने कॉपी किया एंड मेल लिंक्स मेरे को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से मैंने उसको कॉपी कर लिया, सेमी कॉलम्स सेमी कॉलम्स। एंड यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा हमारा एड्रेस कहाँ पे है, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे हमारा टॉप बार का एड्रेस लिंक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों फील्ड को यहाँ से ऊपर ले लेंगे, टॉप पर पीएचपी टैग स्टार्ट, पीएचपी टैग एंड एड्रेस लिंक को यहां से सीधा यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे लिंक भी कर सकते हो अपनी, जो आप एग्जिस्टिंग वेबसाइट करते हो, कंपनी की कोई भी वेबसाइट में वर्क करते हो, अगर आपको ऐसा टास्क आता है तो आप क्या करोगे, सीधा एंकर टैग के अंदर पेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और मेल लिंक में भी आप मेल टू कर सकते हो, तो यहाँ पे मेल टू की जगह पे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ये मेल टू उसके अंदर पीएचपी टैग स्टार्ट एंड एंड मेल लिंक्स को मुझे क्या करना है, इको करना है, यहाँ पे इको कर देता हूँ, सेम कॉपी करना है यहाँ पे मेरे को उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा एड्रेस लिंक और मेल लिंक, मेरा दोनों डायनामिकली यहाँ पे हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं आई है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पे मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि एड्रेस लिंक्स और मेल लिंक्स में क्या इश्यू है। पहले हम बैकएंड चेक कर लेते हैं, एड्रेस लिंक की जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रॉपर से, एड्रेस लिंक्स और मेल लिंक्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सेव हुई। देखो यहाँ पे वो चीज यहाँ से रिमूव हो गई है, क्योंकि हमें फील्ड ऑलरेडी चेंज किया, इसकी वजह से यहाँ से जो हमारा जो डेटा था एड्रेस का वो यहाँ से निकल गया है। सो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे और जो हमारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसी को हमें पेस्ट कर रहे हैं। तो यहां से मैं वापस कॉपी करूंगा, यहां पे पेस्ट कर दूंगा, यहां से कॉपी करूंगा, यहां पे पेस्ट कर दूंगा, अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी दोनों फील्ड डायनामिकली हो गई है, लेकिन मेरे को मेल भी डायनामिकली करना है, तो मैं क्या करूंगा, हैशटैग यहाँ से निकाल दूंगा, मेल टू फंक्शन यूज करूंगा और उसी के अंदर मेरे को पीएचपी टैग ऐड करना, और मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरा मेल टू भी हो गया, एड्रेस भी हो गया और लोगो भी हो गया। अभी लोगो को हमें क्या करना है, होम पेज यूआरएल करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम जैसे भी होम पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूआरएल से वो होम पेज पे जाना चाहिए,
नहीं कि इंडेक्स एचटीएमएल पे जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या यूज फंक्शन यूज करेंगे, गेट होम पेज यूआरएल है, होम पेज है, ओके। वर्डप्रेस में तीन चार फंक्शन अवेलेबल से, वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लोगो है, यहाँ पे इंडेक्स टू है, तो यहाँ पे मैं वो फंक्शन यूज करूंगा होम यूआरएल। अभी एक बार हम लोगो के ऊपर क्लिक कर दे तो हमारा जो पेज है हमारा सेम रिडायरेक्ट हमें होम पेज पे ही होना चाहिए, राइट। दिस इज अ परफेक्ट। एंड नेक्स्ट है सबमिट प्रॉपर्टी। सबमिट प्रॉपर्टी के लिए हमें ऑलरेडी लिंक सब बनाया है। यहाँ पे मैं अभी हैशटैग डालता हूँ, लिंक टेक्स्ट मेरा है सबमिट प्रॉपर्टी, एंड आप यहाँ से ओपन लिंक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपडेट किया, अभी पहले हम फाइंड कर लेंगे कि हमारा जो सबमिट लिंक जो टैग्स है वो कहाँ पे है। सिंपल यहाँ पे मैं बैकएंड में सर्च कर देता हूँ सबमिट प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे मेरा सबमिट प्रॉपर्टी है। तो यहां से मैं कॉपी करता हूँ फर्स्ट लिंक, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग प्रॉपर करना है, यहाँ पे मैंने एक चीज मैं नहीं कर रहा हूँ, कंडीशन नहीं चेक कर रहा हूँ। मैं लास्ट वीडियो में चेक करूंगा कंडीशन, जब हमारे वीडियो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे रियल इस्टेट के, उसी टाइम पे मैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू करके एक वीडियो क्रिएट करूंगा। उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप फील्ड गेट करते हो लेकिन उसके बाद आप कंडीशन क्लोज नहीं करते हो, इज नॉट एम्प्टी और कंडीशंस, ओके। तो वो कंडीशन लगाना इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लास्ट वीडियो में क्रिएट करूंगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कैसे हम कंडीशन क्लोज करते हैं, कौन सा एंड कब यूज करते हैं, इफ कंडीशन कब यूज करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लास्ट वीडियो में करेंगे, फर्स्ट अभी देखते हैं सबमिट प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पे सबमिट प्रॉपर्टी लिंक मैंने कॉपी किया, यहाँ से मैंने पेस्ट किया। अभी इसकी हम एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं कि एरे फॉर्मेट में हमें क्या मिल रहा है। प्रिंट अंडरस्कोर आर्स, यहाँ पे मेरा नेम ऐड कर रहा हूँ मैं शैलेश, ओके। यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ पे शैलेश मेरे को मिल रहा है, टाइटल में सबमिट मिल रहा है, यूआरएल मेरे को मिल रहा है, हैशटैग मिल रहा है, और यहाँ पे टारगेट ब्लैंक मिल रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, टाइटल को कॉपी करूँ, सबमिट लिंक्स, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा राइटर्स इको डॉलर सबमिट प्रॉपर्टी लिंक स्क्वेयर ब्रैकेट में आएगा टाइटल्स क्लोज, एंड यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूंगा, यूआरएल पास करूंगा, पीएचपी टैग्स सबमिट प्रॉपर्टीज इन द स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूआरएल आएगा, एंड टारगेट ब्लैंक भी आएगा। वो मैं लास्ट कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया था वैसे हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वीडियो है, तो यही वीडियो में हम ज्यादा टाइम लेंगे तो ज्यादा हमारा टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो के लिए लेंदी हो जाएगा वीडियो। उसके लिए हम शॉर्ट वीडियो क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सबमिट भी यहाँ पे बटन रेडी हो गया है। अभी लास्ट में मेरे को क्या क्रिएट करना है, मेरा टॉप हेडर्स जो है मेरा डायनामिकली हो गया है, मेरे को अभी जस्ट मेनू मेरे को डायनामिक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, मेनू में जाएंगे, मेनू में जाके मेरे को क्या करना है, रजिस्टर प्राइमरी मेनू करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा रजिस्टर प्राइमरी नेविगेशन मेनू वर्डप्रेस,
यहाँ से हम दो तीन URL चेक करेंगे, उसमें से जो हमें ठीक लगे वही हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन मिला रजिस्टर नेविगेशन में, तो ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। और वो मेरे को क्या रखना है, आफ्टर थीम सेटअप के अंदर हमें रजिस्टर कर, फंक्शन डॉट PHP के अंदर आफ्टर थीम सेटअप करके फंक्शन आता है यहाँ पे। ओके तो सेम थीम मेरे को यहाँ पे रजिस्टर मेनू ऐड करना है। यहाँ पे भी ऑलरेडी किया है रजिस्टर प्राइमरी मेनू, लेकिन ये अभी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें फुटर के लिए भी चाहिए, तो उसी के लिए हमें नया फंक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे मैं ऐड किया प्राइमरी मेनूज, अभी हम रिफ्रेश करेंगे मेनू में, यहाँ पे प्राइमरी मेनू आ गया। फर्स्ट में ऐड कर रहा हूँ मेन मेनू। मेन मेनू में अभी हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें जस्ट हमें ज्यादा करके 5 to 3 pages ऐड करना है। ओके मेन मेनू के अंदर जस्ट नेविगेशन मेनू हमें सेम जैसे HTML दिख रहा है सेम उसे हमें डायनामिक से हमें क्रिएट करना है। उसके बाद हम जब हमारे जैसे जैसे पेज बढ़ेंगे उसके साथ हम नए नए पेज ऐड करते जाएंगे बैकएंड में। तो अभी हम जस्ट 3 pages ऐड करेंगे ओनली, होम अबाउट एजेंट। ऐसा नहीं है कि 3 पेज करेंगे तो 3 पेज की वेबसाइट बनेंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ पेजेस है, जितने पेजेस है उसके हम यहाँ पे डायनामिकली पेजेस क्रिएट करेंगे। एज ए हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में आपको दिया था कि हम कौन से पेज क्रिएट करेंगे, उसके हिसाब से हम नए यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम क्रिएट करेंगे होम अबाउट रेजेंट्स। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ होम्स, इसको पब्लिश करेंगे। होम्स तो आई थिंक ऑलरेडी है हमारे पास। ओके तो यहाँ पे मेरे को अबाउट अस और एजेंट करना है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ अबाउट्स एंड एजेंट्स। अबाउट अस नेक्स्ट है मेरा एजेंट पेज, इसको पब्लिश मैंने कर दिया। अभी क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पे मेनू में जाना है और तीनों तीन पेज को हमें क्या करना है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ से मैंने अबाउट अस लिया, एजेंट लिया और यहाँ पे हम होम पेज भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा होम पेज है, तो यहाँ पे होम पेज आ गया। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली एड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेनूज एंड प्राइमरी मेनूज। इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यानी कि आप जैसे ही बैकएंड में नया पेज क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको टॉप बार के अंदर वो सिलेक्ट हो जाएगा और प्राइमरी मेनू के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैं नया मेनू तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, नेविगेशन ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डायनामिकली मेनू डाला वही मेनू मेरे को यहाँ पे आना चाहिए, तो अभी तो मेरा स्टैटिक आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर में जाएंगे। फर्स्ट हेडर में जाके यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा मेनू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा UL जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे WP नेविगेशन मेनू। यहाँ पे मेरे को एक एग्जांपल मिला है, सेम यहाँ पे हम यही एग्जांपल ट्राई करेंगे। यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट, PHP टैग एंड, यहाँ पे थीम लोकेशंस को रिमूव कर देंगे, कंटेनर फॉल्स करेंगे एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे मेनू। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मेनू, लास्ट में हम ऐड करेंगे मेनू क्लास, क्योंकि हमें दो ही पैरामीटर्स की जरूरत है, एक तो मेनू क्लास है एंड सेकंड है हमारा मेनू क्लास। तो हमें मेनू कौन से क्रिएट किया है बैकएंड में वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है मेन मेनू,
यहाँ पे नेम आएगा, मेनू का नेम आएगा यहाँ पे मेन मेनू। एंड यूएल क्लास हमारा कौन सा है, नेविगेशंस। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ नेविगेशंस। तो अभी हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल जो हमारा जो टोटल 3 पेजेस है यहाँ पे वो प्रॉपर है। तो अभी हम क्या करेंगे, यूएल जो हमारा स्टैटिक एचटीएमएल से उसी को हम अभी डिलीट कर देंगे यहाँ से, और जो माइनर इश्यू होगा उसको हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि होम पेज, अबाउट अस एंड एजेंट्स, तीनों तीन मेनू यहाँ पे हमें आ गया। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया ऐड कर रहा हूँ, टेस्ट करके मैं नया ऐड करूंगा, टेस्ट पब्लिश, उसके बाद मेनू के अंदर जाऊंगा अपीयरेंस में, मेनूस, टेस्ट यहाँ पे आ गया है। जस्ट यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरा टेस्ट पेज आ गया है। तो यहाँ पे हमें डायनामिकली हेडर्स किया है, ऑलरेडी मेनू किया है, और काफी सारे चीज हमें कस्टम क्रिएट किया है एचसीएफ थ्रू प्लगइन से किया है। तो आपको इस चैनल जो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो न्यू वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।